मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है कांगला फोर्ट। कभी यह राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। यह पूरा क्षेत्र करीब 238 एकड़ में फैला है। यहाँ किले का शाही दरवाजा चीनी वास्तुकला से प्रभावित नजर आता है। कांगला 2004 तक असम राइफल्स के नियंत्रण में था। इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आगे ईंट से बने दो विशाल ड्रैगन है, जिसे मणिपुरी भाषा में शा कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर श्री श्री गोविंद जी मंदिर है। यह मंदिर भगवान गोविंद और राधा को समर्पित है। इस मंदिर के सामने का नजारा अपने आप में अद्भुत है। यहाँ दाहिने और बाईं ओर दो ऊंचे किले हैं, जिसकी वास्तुकला एक जैसी है। इन दोनों किलों के बीच और श्री श्री गोविंद जी मंदिर के ठीक सामने ईंट के बने कई पिलर हैं, जो इस परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कांगला फोर्ट परिसर में ही वृंदावन मंदिर भी है। इसे युवराज टिकेंद्रजीत के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। राजकुमार टिकेंद्रजीत एक महान योद्धा थे। मणिपुरी सेना के कमांडर रहते हुए उन्होंने महल क्रांति शुरू की थी, जिसके कारण 1821 में अंग्रेजों और मणिपुरियों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। कांगला शाह के पास ही स्थित है सानमही मंदिर। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है। सानमही मंदिर से सटा कांच से निर्मित एक भवन है, जिसमें राजसी नाव रखी गई है। फोर्ट परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसे कांगला संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण किला परिसर क्षेत्र की प्रतिकृति देखी जा सकती है। यहाँ राजशाही की गौरव गाथा के अलावा कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को सहेज कर रखा गया है। यदि देखा जाए तो इम्फाल का कांगला फोर्ट वो स्थान है, जहाँ सर्वाधिक संख्या में स्थानीय और देशी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं।